वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है जीके टेक्निकल। तो आज का जो वीडियो है वो जो डी फार्म के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे गए थे पेपर में, जो कि सॉल्व अगर आपने किए तो आपको अच्छे से मार्क मिल सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2019 में एक क्वेश्चन आया था HECP में, इसमें एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको रिवाइज करके दे रहा हूँ, और उसका लर्न कैसे करना है वो भी थोड़ा सी प्रोसीजर में बता देता हूँ, जो कि आप इजी से ध्यान रख सकते हो और उसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि वॉट इज माई बर्न एंड व्हाट इज़ देयर सिम्टम्स एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर्स और इट इज़ अ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? तो फर्स्ट, बर्न क्या होता है? बर्न मीन्स इट शुड बी द इंजुरी विच कॉज बाय द हीट, शॉक एंड लाइट, इट्स नोन एज अ बर्न। देन सिंपल है कि हम बर्न में क्या सिम्टम्स दिखते हैं। फर्स्ट, हमें जो स्किन है वो रेडिश दिखती है, मीन्स रेडिश ऑफ स्किन। सेकेंड थिंग, ब्लिस्टर ऑन स्किन, मीन्स जिसमें भी पैचेस गिरते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लिस्टर। थर्ड इज वाइटनिंग ऑफ स्किन, हमारा जो स्किन है, जो स्किन निकलने के बाद उसमें वाइट वाइट कलर का फ्लूड दिखता है, तो हम कह सकते हैं कि द इट शुड बी द वाइटिश ऑन स्किन। फोर्थ इज पेन, पेन इज़ द मेन थिंग विच कॉज आफ्टर द बर्निंग, जब हमको बर्न होता है तो उसके बाद हमको थोड़ा सा पेन होता है, पेन। उसके बाद भी कॉज आल्सो द अनकॉन्शियनेस, इसका अनकॉन्शियनेस इट आल्सो बी द वन ऑफ द सिम्टम्स विच कॉज इन अ बर्न। ओके, उसके बाद में और एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा था कि व्हाट इज मीन बाय डेमोग्राफी एंड एक्सप्लेन द डेमोग्राफी साइकिल। तो डेमोग्राफी क्या होती है पहले आपको मालूम होना चाहिए। डेमोग्राफी मीन्स इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, जिसमें हम ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन में दो पॉइंट आते हैं, मॉर्टलिटी और बर्थ रेट। जिसमें मॉर्टलिटी और बर्थ रेट आता है, मॉर्टलिटी मीन्स डेथ रेट एंड सेकेंड थिंग आती है बर्थ रेट, जिसके हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। तो डेमोग्राफी में पांच स्टेप आता है। डेमोग्राफी इज शुड बी अ डिवाइडेड इनटू फाइव टाइप्स, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड अ फिफ्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज इज आल्सो नोन एज अ स्टेशनरी फेज, इसे हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। स्टेशनरी फेज क्यों कहते हैं? बिकॉज इन विच द बर्थ रेट एंड अ डेथ रेट इज शुड बी अ सेम, जिसमें बर्थ रेट और जो डेथ रेट होता है वो सेम होता है। देर इज अ नो ग्राफ, इसमें कोई भी ग्राफ नहीं होता। जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है? इट शुड बी अ प्लेन, वो प्लेन होता है, इसलिए इट शुड बी अ कॉन्स्टेंट फेज, इसे हम कॉन्स्टेंट फेज भी कहते हैं। सेकेंड स्टेज में आते हैं। सेकेंड स्टेज इट आल्सो नोन एज अ प्री एक्सपांडिंग फेज, जो कि पहले एक्सपांडिंग होने वाला है या एक्सपांडिंग होने से पहले। सो सेकेंड स्टेज इज आल्सो नोन एज अ प्री एक्सपांडिंग फेज। तो ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज इन दिस फेज द मॉर्टेलिटी रेट इज अ ग्रेटर बट द बर्थ रेट इज अ सेम, जिसमें जो डेथ रेट होता है वो ज़्यादा होता है, मगर जो बर्थ रेट होता है वो कैसा रहता है? कॉन्स्टेंट होता है। ड्यू टू द कॉन्स्टेंट बर्थ रेट द पॉपुलेशन रिमेन्स अ कॉन्स्टेंट, जिसमें पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट होती है, वो कम नहीं होती है और ज़्यादा भी नहीं होती है। सो इट इज़ आल्सो नोन एज अ प्री एक्सपांडिंग फेज, इसलिए हम उसे प्री एक्सपांडिंग फेज कहते हैं। थर्ड, तीसरा फेज आता है, उसे कहते हैं पोस्ट एक्सपांडिंग और अ लेट एक्सपांडिंग फेज। तो इसमें क्या होता है? इन विच द बर्थ रेट इज अ इंक्रीजेस एंड अ डेथ रेट रिमेन्स अ लो, जिसमें जो डेथ रेट होता है वो कम होता है मगर जो बर्थ रेट होता है वो हायर रहता है। ड्यू टू दिस द पॉपुलेशन शुड बी द इंक्रीज,
इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, तो इसमें क्या होता है, द ग्राफ शुड बी अ जस्ट लाइक दैट, वो ग्राफ ऐसे ज़्यादा से बढ़ता है, तो इसे हम कहते हैं पोस्ट एक्सपांडिंग फेज। थर्ड फेज आता है जिसमें होता है लो स्टेशनरी फेज, जो लो स्टेशनरी फेज होता है जिसमें द बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिमेंस अ सेम, जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट वो सेम रहता है, सो इट शुड बी अ ज़ीरो, वो ज़ीरो हो जाता है जिसमें कोई भी हलचल नहीं होती है, सो इट इज़ अ नोन एज अ प्री स्टेशनरी फेज और अ लो स्टेशनरी फेज। और लास्ट में फिफ्थ जो आती है वो है निगेटिव ग्रोथ फेज, निगेटिव ग्रोथ फेज जिसमें इट हैज़ अ हायर डेथ रेट देन अ बर्थ रेट, जिसमें डेथ रेट ज़्यादा होता है बर्थ रेट से और जो बर्थ रेट होता है कम होता है, मीन्स बर्थ रेट कम और जो मोर्टेलिटी रेट रहता है यानी डेथ रेट वो क्या होता है ज़्यादा होता है, ड्यू टू दिस इट हैज़ अ लेस पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन होता है वो सबसे कम होता है। ओके, इट इज़ अ फिफ्थ टेज। या ऐसे उसके बाद 2019 में और एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बताया गया था व्हाट इज मीन बाय ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग क्या थी, पहले तो आप ये जान लो कि स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है। स्टेनिंग मीन्स इन विच द मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इजीली सीन बाय द स्टेनिंग टेक्निक, स्टेनिंग टेक्निक से हम जो वाइल्ड वैरायटी के जो बैक्टीरिया हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं या डिसीज कॉज कर सकते हैं उसे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द स्टेनिंग टेक्निक। तो स्टेनिंग टेक्निक में क्या क्या प्रोसीजर होती है ये आपको लिखने का है पेपर में। फर्स्ट वी प्रोड्यूस अ स्मेयर, पहले हमको स्मेयर प्रोड्यूस करने के, स्मेयर बोले तो इट शुड बी अ ग्लास लकड़ी, एक ग्लास साइड रहती है जो ग्लास साइड हम पहले प्रिपेयर करते हैं। ओके, सेकंड द ग्लास साइड शुड बी स्टेरलाइज बाय द हीटिंग प्रोसेस, उसके बाद हमने ग्लास लाइड तो प्रिपेयर कर ली मगर उसको अच्छे से स्टेरलाइज करने की, स्टेरलाइज मीन्स अ अनवॉन्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्रेजेंट ऑन अ ग्लास साइड इट शुड बी अ कम्प्लीटली स्टेराइज आफ्टर द हीटिंग, हम उसको हीट करने के बाद वो पूरीली स्टेरलाइज होती है, यह है सेकंड प्रोसेस। थर्ड उसके बाद में आता है वी कैन ऐड द क्रिस्टल वायलेट सोल्यूशन ओवर अ स्मेयर, हमें स्मेयर के ऊपर क्रिस्टल वायलेट कलर का जो सोल्यूशन रहता है उसे ऐड करना है अप टू द 1 to 2 minutes। फोर्थ जो पॉइंट आता है उसके बाद में देन दिस स्मेयर देन एडेड द पोटेशियम आयोडाइड ओवर अ स्मेयर, उसके बाद हमने उसको अब अच्छे से धो लिया, ओके स्टेरलाइज भी कर लिया, उसके बाद उसमें क्रिस्टल वायलेट का स्टेन भी डाल दिया। और फोर्थ थिंग उसमें आती है पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन ऐड करने का, वी एडेड द पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन ओवर अ स्मेयर, देन आफ्टर दैट वी एडेड द अल्कोहल, उसके बाद हमको अल्कोहल ऐड करने का है, अल्कोहल क्यों ऐड करने का है बिकॉज इट शुड बी द कलरलेस, ये कलरलेस होता है तो कलरलेस कलर प्रोड्यूस करने के लिए हम अल्कोहल ऐड करते हैं। उसके बाद फिफ्थ प्रोसीजर क्या होता है, जो भी हमने प्रोसीजर किए जो ग्लाइड साइड पे, वो ग्लाइड साइड हमको क्या करने की, वॉश द ग्लाइड साइड शुड बी अ वॉश विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर से हमको उसको क्या करने की, वॉश करने की। एंड आफ्टर दैट वी एडेड अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेन दैट इज अ इवोसिन, हमको उसमें इवोसिन ऐड करने की। आफ्टर द एडेड द इवोसिन देन द स्लाइड विच प्रिपेयर टू ईजिली ऑब्जर्वेशन, देन हमको वो ऑब्जर्वेशन करने की ईजिली ऑब्जर्व कर सकते अंडर द ऑयल इमल्शन लेंस, जो ऑयल इमल्शन लेंस रहती है जिसमें हमको ऑयल ग्लोबल्स दिखते हैं, वो ऑयल इमल्शन लेंस के नीचे हम उसको ईजिली सीन कर सकते हैं। तो आफ्टर वी ऑब्जर्विंग द माइक्रोस्कोप देन इट सीन अ सम वायलेट और पिंक कलर, देन वायलेट कलर शोज द ग्राम स्टेनिंग इज हैविंग अ पॉजिटिव बैक्टीरिया, मीन्स अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑलवेज शोज अ वायलेट कलर एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ऑलवेज शोन एज अ पिंक कलर, अगर पिंक कलर का हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि इट इज़ अ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, अगर हमारा जो स्टेन है वो वायलेट आता है तो इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये हम इस आंसर में लिख सकते हैं। आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, आपके लिए मैं बहुत से ऐसे जो क्वेश्चन हैं या जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है
वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लाता जाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा ग्लाइकोलिसिस पे, टी से साइकिल पे। तो वॉच फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।